दोस्तों वेलकम बैक। और आज मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और खिचड़ा बनाया जाता है बाजरे का, पर बाजरे का खिचड़ा आज हम नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। जी हाँ, तो बिल्कुल खिचड़ी कैसे बनाते हैं हमारे संक्रांति पे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों एक कटोरी हमने ले लें लाल और उड़द की मूंग की दाल, आधी कटोरी हमने ये उड़द की दाल ले ली है, एक पूरा भरा हुआ हमने ये चने की दाल, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं चने की दाल ले रहे हैं, ठीक है। और एक ही कटोरी हम ये ले लेंगे चावल, और एक कटोरी हमने सोयाबीन की है ये ले लेंगे, ठीक है। इनको हम धो लेंगे, हमने गड़ा दिए हैं जो भी चावल डाले थे इनको, चूल्हे पे चढ़ गई है कढ़ाई, अब बनाएंगे हम। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ कढ़ाई के पास, अब बनाएंगे हम खिचड़ी, बिल्कुल मस्त वाली खिचड़ी, ठीक है। और चलिए अब एक कैमरे से मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हमने इसमें तेल डाल दिया, देखिए गर्म हो रहा तेल कढ़ाई में, ना चौबीस का एक घंटा आएगी मैं इसे। तो सबसे पहले अब इसमें हम राई डालेंगे, तो इसमें राई और जीरा वगैरह काली मिर्च हमने डाल दी, अब डालेंगे इसमें, अब इसमें हमने मिर्ची भी डाल दी। तो दोस्तों इसमें हम कुछ हरे लहसुन की जो पत्तियां हैं वो भी डाल रहे हैं, देखिए खेत में बहुत से लग रही थी, मैं सोचा ये भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अपना इसका खिचड़ी का। और जितनी भी हरी चीजें हैं आप डाल सकते हैं इसमें, ये देखिए उनको खूब पका के, फिर इसमें आप नमक मिर्ची डाल देंगे अभी हम इसमें, है ना। तो दोस्तों हम ये एक चम्मच इसमें डाल देंगे मिर्च का, और ये आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी का, थोड़ा सा एक ही चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और एक चम्मच डाल देंगे क्या ये नमक, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, टमाटर लगा देते हैं इसमें, ये देखिए दो टमाटर काटे थे मैंने, इनको भी हम इसमें थोड़ी ज्यादा मिक्स कर लेंगे। दो मिनट इसको पकने देंगे, फिर अपन जो दाल और तम डाले और जो चावल थे वो डाल देंगे। और दोस्तों अब इसमें हम ये जो धुल लिए साफ, इनको हम डाल देंगे, इसको हम अब मिला लेंगे थोड़ी देर, मसाले में पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम पानी लगाएंगे थोड़ी देर, मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। और दोस्तों ये कसूरी मेथी है जो हमने खेत में वो रखी, वो भी थोड़ी सी कट करके डाल देंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो हरी अवेलेबल है, इसलिए तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, देख रहा आप। और इसको अभी हम ऐड कर लेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों अब अच्छे से पक चुका मसाला, इसमें हम पानी डालेंगे, पूरी डूब जाए ऐसा कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए खदबद खदबद हीज रही है अभी हमारी खिचड़ी, ये देखिए इधर टेस्ट कितना अच्छा कलर आया है, ये हमारा बाबू तो खिचड़ी ही जा रहे हैं अभी हम चूल्हे के पास बैठ के, दोनों बाप बेटे हिला देता हूँ मैं इसमें एक बार वापस, थोड़ी देर में तैयार होने वाली है ये। तो दोस्तों खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनके हमारी, तो अभी हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी भोग के लिए निकाल लेंगे, तो बाकी अब हम उतार देंगे इसको, है ना, ये देखिए। तो दोस्तों ये खेत से लाया हूँ मैं धनिया, अभी ये भी काट देंगे इसमें हम, और अभी बाबू टेस्ट करके बताएगा हमें कैसी बनी है। चलो गांव में सब चीजें अवेलेबल हो जाती है हमें फ्रेश फ्रेश, तो मैं इसको उतार देता हूँ हमारी खिचड़ी को। तो दोस्तों ये खिचड़ी बनाई हमने, और ये तिल का वो जल का लोटा प्रॉब्लम कर देते हैं, धूप तिल का धूप होता है वैसे तो इसमें,
तो ये हो गया हमारा आज का धूप। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। खिचड़ी को भोग लगाई हुई प्रसाद मैंने पूरी इसमें ऐड कर दी थी। देखिए बाबू हम दोनों खाएंगे। मैं नवीन नवीन तो गए स्कूल। ले भाई साहब ला जा। टेस्ट करता हूँ। अमेजिंग बहुत अच्छी बढ़िया।